हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 8 सितंबर 2024 को पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। जो जो भी इस परीक्षा के लिए बैठे उनका पॉजिटिव रिजल्ट हो, इसके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं। फ्रेंड, इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, प्रश्न का प्रारूप किस तरह का रहा, पिछले वर्ष 2023 को जो प्रश्न पूछे गए उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह का रहा, इसके बीच में हम लोग एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। और इससे भी जो महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं आज के इस वीडियो व्याख्यान में, वह कि जो पहला सेक्शन जो लीगल नॉलेज से संबंधित था, विधिक विज्ञान से संबंधित था, जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए हुए थे, 10 प्रश्न का हम लोग उत्तर लेंगे और जो भी उत्तर लेंगे उसका हम लोग विश्लेषण भी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि इस बार का जो प्रश्न पत्र रहा उसका क्वेश्चन का प्रारूप किस तरह का था, किस तरह से क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग सेक्शंस में। यदि हम लोग बात करते हैं 2023 की, तब जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि सिनोनिम्स 5 पूछे गए थे, एंटोनिम्स 5, इडियम्स फ्रेजेस 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3, कॉमन एरर्स 2, फिल इन द ब्लैंक्स 2, स्पेलिंग्स 2, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर 2 प्रश्न पूछे गए हुए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर 4 प्रश्न पूछे गए हुए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा तो इसमें तब्दीलियां नहीं देखने के लिए मिलती है। अब क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा था, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से संबंधित 19-20 हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि सब तो सही है, सिनोनिम्स 5 इस बार पूछे गए हुए थे, जैसा कि 2023 में भी पूछे गए हुए थे, एंटोनिम्स 5, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की संख्या इस बार एक घटा हुआ दिख रहा है, अर्थात पिछले बार 3 पूछे गए हुए थे, इस बार 2 ही प्रश्न पूछे गए, कॉमन एरर्स 2 ही पूछे गए थे पिछले बार, इस बार 5 की संख्या में कॉमन एरर्स पूछे गए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हुए थे 2023 में, लेकिन इस बार एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हुए थे, वर्तनी अर्थात स्पेलिंग्स से संबंधित 2 प्रश्न 2023 में हम लोगों को देखने के लिए मिला था, इस बार 3 प्रश्न है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित 2023 में 2 प्रश्न पूछे गए हुए थे, इस बार एक भी प्रश्न उस सेक्शन से नहीं पूछे गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 4 प्रश्न थे 2023 में और 2024 में 5 प्रश्न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। यह हुआ अंग्रेजी पेपर का विश्लेषण। और यदि हम लोग हिंदी पेपर का विश्लेषण देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समझ शक्ति से संबंधित 2023 में 4 प्रश्न पूछे गए हुए थे, लेकिन इस बार 5 प्रश्न पूछे गए, पर्यायवाची से 4 प्रश्न पूछे गए हुए थे, लेकिन इस बार 5 प्रश्न पूछे गए हुए थे, विलोम शब्द से संबंधित 3 प्रश्न 2023 के प्रश्न पत्र में देखते हैं, लेकिन इस बार विलोम शब्द से संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। शब्द समूहों के लिए 1 शब्द 5 की संख्या में प्रश्न थे उस खंड से, और इस बार 2 ही प्रश्न शब्द समूहों के लिए 1 शब्द से दिए गए थे। मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्न थे, लेकिन इस बार मुहावरा पूछा ही नहीं गया, एक भी प्रश्न मुहावरे से संबंधित नहीं पूछे गए। वर्तनी त्रुटि से संबंधित या वर्तनी खंड से संबंधित 3 प्रश्न पिछले बार पूछे गए हुए थे, और इस बार 5 प्रश्न थे वर्तनी खंड से संबंधित। समास से 2 प्रश्न थे, इस बार समास पर आधारित 3 प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगला जो ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न 4 की संख्या में थे, वे प्रत्यय पर आधारित थे, उपसर्ग पर आधारित थे, कारक पर आधारित थे, अर्थात भिन्न भिन्न हम लोग यहाँ पर सेक्शन से संबंधित 4 प्रश्न 2023 के प्रश्न पत्र में देखते हैं, लेकिन इस बार तो न तो प्रत्यय से संबंधित, उपसर्ग और कारक से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन संधि से संबंधित सारे प्रश्न, मतलब इसके बदले में संधि से संबंधित 5 प्रश्न यहाँ पूछे गए, लेकिन 2023 में संधि से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हुए थे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है, यह बताता है कि आपको जो भी पढ़ाई करना है तो यह सोच करके नहीं करना है कि एक विशेष पैटर्न पर आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से आधारित करें, आपको सारे तरह के
चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है, तभी आपसे कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जहाँ तक जीके की बात है, जीके 20 प्रश्न थे 2023 में, जिसमें कि लीगल नॉलेज से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हुए थे। इस बार बता दिया था कि लीगल नॉलेज से संबंधित 10 प्रश्न लीगल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि लीगल नॉलेज से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लीगल नॉलेज से संबंधित इस बार 10-20 में 10 जो क्वेश्चंस हैं, अर्थात 50% क्वेश्चंस लीगल नॉलेज से संबंधित ही प्रश्न थे। हम लोग देखेंगे, इस पर हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो जनरल नॉलेज 2023 में था वो 20 के 20 जनरल नॉलेज से संबंधित था, बिहार जी की था, थोड़ा करंट अफेयर्स था, थोड़ा विज्ञान पर आधारित, थोड़ा भूगोल पर आधारित, इस तरह से, और थोड़ा संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हुए थे। लेकिन इस बार उन सभी से संबंधित मात्र और मात्र 10 प्रश्न ही पूछे गए हुए थे। जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव पेपर का सवाल है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसा कि पिछले बार एक प्रश्न जनरल ट्रांसलेशन पर आधारित अनुच्छेद था, और दूसरा जो था सेक्शन वह जिसमें 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्न लीगल ट्रांसलेशन थे, इस बार भी वही पैटर्न था, एक जनरल ट्रांसलेशन और दूसरा में 3 जो प्रश्न थे वे लीगल ट्रांसलेशंस थे। और जो पैटर्न जो था वह वैसा ही था, पिछले बार भी थोड़ा स्टैंडर्ड था, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो स्टैंडर्ड था, और इस बार भी क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड ही था। कहा जाए तो स्टूडेंट्स के फीडबैक से यह समझ में आता है कि इस बार का जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा उनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही रहा बनिस्पत 2023 के क्वेश्चन पेपर के बनिस्पत। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुई उसमें जो लीगल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से प्रश्न थे और उनका सही जवाब क्या होना चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि एसचीट, यहाँ थोड़ा सा निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं, नीचे दिए गए विधिक शब्दावलियों के निकटतम अर्थ वाले विकल्प का चयन करिए। लेकिन लीगल टर्म है, इस लीगल टर्म कह क्या रहा है, विधिक क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा काम किया गया कि जो विधिक शब्द लिया गया है उसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी पा रहे हैं। यदि आप अंग्रेजी व्याख्या को समझने में आपको परेशानी हो रही है तब फिर हिंदी व्याख्या को देखिए और फिर आप उसका जवाब दीजिए। हालांकि जितने भी लीगल अफेयर्स से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी जो बातें हैं वे ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आती है। खैर, हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है एसचीट। फ्रेंड, एसचीट क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। एसचीट दरअसल एक क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु के प्राप्त करने के बाद जब उनका कोई भी लेनदार नहीं रहता है, अर्थात उनकी प्रॉपर्टी पर कोई दावा ठोकने वाला नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में उनका जो प्रॉपर्टी है वह सरकार को चली जाती है। तो सरकार को चले जाने की क्रिया ही एस्चीट कहलाती है। ठीक है, समझ में आया, सरकार खुद ले लेगी, राज्य सरकार के अधीन है तो राज्य सरकार उसके ज़मीन को ले लेती है। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर विकल्पों को पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू ए स्पाउस आफ्टर डेथ, नहीं यहाँ पर एस्टेट का मतलब वो नहीं है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर व्याख्या किया है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, द रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट, राज्य सरकार को पुनः दिए जाने वाली प्रॉपर्टी, प्रत्यावर्तन, रिवर्जन मतलब प्रत्यावर्तन, यहाँ पर हम लोग हिंदी भी दे सकते हैं, संपत्ति का राज्य को प्रत्यावर्तन,
जब कोई कानूनी दावेदार या वारिस ना हो। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो तो इसी से मेल खाती है, इसलिए पहला जो प्रश्न का उत्तर होगा वह दूसरा होगा, बाकी अन्य नहीं होगा। हम लोग दूसरा पर फोकस करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? फॉरक्लोजर। फॉरक्लोजर को हम लोग देख रहे हैं, इसका हिंदी है पूर्वबंध। फ्रेंड हम लोग जान ले कि फॉरक्लोजर का मतलब क्या होता है। फॉरक्लोजर दरअसल जब क्या होता है कि जब देनदार लेनदार को कुछ पैसे देता है, कुछ प्रॉपर्टी देता है, कुछ उधार देता है, लेकिन जो लेनदार है वह समय पर चुकती नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में देनदार जब उसका हक बनता है कि लेनदार की संपत्ति पर स्वामित्व उसका हो जाए, तब इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉरक्लोजर। अब हम लोग विकल्पों को पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ लेंडर टेक्स ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द बोरोवर्स फेलियर टू मेक पेमेंट्स। हाँ, यही तो होगा यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने ये अभी बात किया। उधारकर्ता के भुगतान करने में विफल होने पर ऋणदाता द्वारा संपत्ति का स्वामित्व लेने की प्रक्रिया ही पूर्वबंध कहलाती है। ठीक है, तो दूसरा का जो सही उत्तर होगा वह पहला होगा, ए होगा। अब हम लोग जानते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? ग्रैचुइटस। ग्रैचुइटी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, वह एक तरह का रिवॉर्ड है। ठीक है, वह एक तरह का इनाम है। जैसे दिवाली, दिवाली पर या कोई भी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है, अपने अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ अवार्ड दे देता है, कुछ और भी शेयर्स दे देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है, बिना उस दिए गए चीज़ के को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है, तब उस दिए हुए चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्रैचुइटी। और ग्रैचुइटी का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एडजेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल हुआ, ग्रैचुइटस। ठीक है, अब हम लोग विकल्प को देखते हैं। विकल्प क्या है? रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, नहीं, इसमें तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोई बात ही नहीं हुई है। दूसरा देखते हैं, डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रिवॉर्ड और कंपेंसेशन। हाँ, बात तो सही है, यहाँ पर दूसरा ही यहाँ विकल्प सही है। दरअसल किसी इनाम या मुआवजे की अपेक्षा के बिना ही जो काम किया गया है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रैचुइटस। ओके, ग्रैचुइटस अमाउंट दिवाली के मौके पर उसको 2000 मिला, 1000 मिला, जिसमें कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई अन्य जो भी इकाइयां हैं वो कोई अपेक्षा नहीं किया हुआ है कि इसके बदले में मैं अगले से काम लूँगा, तब वो जो दिया गया जो गिफ्ट है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रैचुइटी। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, वो क्या है? इंजंक्शन। फ्रेंड इंजंक्शन किसको कहते हैं? मैं तो क्लास में भी बताया, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। खैर, इंजंक्शन दरअसल एक ऐसा आदेश है, दरअसल अदालती आदेश है, जिसमें अदालत किसी भी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने का आदेश देता है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति पर शक हुआ है कि उसने इस तरह का अपराध किया है, तब कोर्ट आदेश देगी उस व्यक्ति को कि वह अपने क्षेत्र से दूर ना जाए या इस तरह का कार्य ना करें, और उस तरह का आदेश ही कहलाएगा इंजंक्शन। इसे हम लोग कहते हैं व्यादेश हिंदी में। अब हम लोग विकल्प को देखते हैं। एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट दैट रिक्वायर समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। हाँ, पहला ही वाला तो होगा, हिंदी भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक आदेश जो किसी को कुछ करने या ना करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, इसी को हम लोग व्यादेश कहते हैं। इसलिए चौथा का जो उत्तर होगा वह पहला होगा। अब हम लोग बात करते हैं पाँचवा की। पाँचवा क्या प्रश्न है? एग्नेट। एग्नेट दरअसल एक तरह का व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मेल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी फैमिली का, हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। रिलेटेड टू मेल लाइनेज, मतलब नर वंशावली से संबंधित व्यक्ति को हम लोग एग्नेट कहते हैं। मान लिया जाए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में एक दादाजी है,
है ना, दादाजी के तीन पुत्र है ना, तीन पुत्र, पुत्र को लेना है, पुत्र है, और पहले वाले पुत्र से उनकी तीन संतानें हुई है ना, जो दो संतानें हुई ए और बी वो मेल हुआ, और जो जो तीसरी जो संतान हुई वह लड़की हुई, और दूसरे बेटे से एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, ठीक है, एक डॉटर हुआ, और तीसरे से मान लिया जाए कि दो बेटा हुआ और एक बेटी हुई, ओके। तो जो बेटे हुए, जो मेल मेंबर्स है किसी भी फैमिली के सारे एग्नेट्स कहलाएंगे, और जो फीमेल जो होंगे वे कॉग्नेट्स कहलाएंगे, फीमेल एंसेस्ट्री, फीमेल जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे हम लोग कॉग्नेट्स कहेंगे, है ना, जैसे कि चचेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सारे कहलाएंगे कॉग्नेट्स, और चचेरा भाई, ओके, अपना भाई, ये सब सारे एग्नेट्स कहलाएंगे। आशा करते हैं आपको एग्नेट और कॉग्नेट्स दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर अब हम लोग विकल्प पर ध्यान देते हैं। अ पर्सन रिलेटेड टू अनदर बाय ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू मेल्स, और इधर फीमेल्स तो होगा नहीं इसलिए इसको हम लोग हटाएंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉग्नेट्स कहेंगे। पर्सन रिलेटेड टू अनदर बाय ब्लड और एडॉप्शन होली थ्रू फीमेल्स, और अ पर्सन रिलेटेड टू अनदर सोली, ये मैरिज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर्सन हु इज डिसेंडेंट ऑफ समवन बट नॉट रिलेटेड थ्रू एनी स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिसेंट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा हम लोगों का ए होगा, ठीक है, और वो जो हम लोगों ने लिया जो शब्द एग्नेट, उसका हिंदी यहाँ पर रूप दिया गया है गोत्रज, ठीक है, और इसका उत्तर पहला ही है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्लीडर की। प्लीडर तो हम लोग जानते हैं जो लड़ाई करता है, केस के प्रति जो प्लीड करता है, ओके। इंटरप्लीडर दरअसल अदालती टर्म है, और इस अदालती टर्म में इंटरप्लीडर की मांग की जाती है, अर्थात एक प्रोसेस की मांग की जाती है, और इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसीजर में, इस अदालती प्रोसीजर में होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति जिनके पास कोई संपत्ति है ना, और जिनके पास संपत्ति होता है उसको हम लोग कहते हैं उसको स्टेक होल्डर, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टेक होल्डर कहते हैं, और वो स्टेक होल्डर जब वह संपत्ति को देना चाहता है, या इसके मृत्यु के बाद, स्टेक होल्डर के मृत्यु के बाद, अब वो क्या ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि उनकी संपत्ति को लेने वाले, उनकी संपत्ति पर दावा ठोकने वाले कई सारे क्लेमेंट्स हैं, अर्थात दावेदार काफ़ी सारे हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला अदालत के पास जाएगा, और अदालत क्या करेगी कि एक वो इंटरप्लीडर के माध्यम से वह स्टेक होल्डर के पैसे को या प्रॉपर्टी को जेन्युइन, जो सही में, जो असल में उस दावेदार होगा, वह उसका पता लगाएगा, और पता लगाने के बाद उसे संपत्ति सौंपेगा। तो यही इंटरप्लीडर के प्रोसेस में प्रक्रिया चलती है, समझ में आया, और इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, ओके। इसे इंटरप्लीडर के लिए हम लोग अंतराभिवाची कहते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जो दोहरे या एकाधिक दायित्व से बचने के लिए धन या संपत्ति के हितधारक को संभावित दावेदारों को शामिल करने की अनुमति देती है। देखिएगा, हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन अंग्रेजी में हर चीज़ हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, ओके। आशा करते हैं कि आप इंटरप्लीडर को, अर्थात अंतराभिवाची को समझ गए होंगे। अब सातवां देखते हैं, प्रोबेट। प्रोबेट आखिर होता क्या है? प्रोबेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह भी एक कार्रवाई है, यह भी एक प्रक्रिया है,
जिसके तहत होता क्या है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो जो किसी भी संपत्ति के मालिक होते हैं, वो उनकी यदि मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है और बिना वह विल बनाए ही बिना वह वसीयत बनाए ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में प्रोबेट का सहारा लिया जाता है, अर्थात उस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है जिसमें कि क्या है कि विल अब फ्रेंड बात करते हैं प्रोबेट की। प्रोबेट दरअसल यह एक लीगल टर्म है और इसकी यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत तो होता क्या है कि इसमें इस बात की जांच की जाती है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई वसीयतनामा बना करके मृत्यु को प्राप्त किया है, तब प्रोबेट की प्रक्रिया के तहत इस बात की पुष्टि की जाती है कि जो वसीयतनामा में लिखा हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति फलाना व्यक्ति को दिया जाए, तो इस बात का पता लगाने का कार्य इसके तहत किया जाता है और उसी को दिया जाता है जो वसीयत नामा में मेंशन है। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग विकल्प में देख रहे हैं, प्रोबेट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ अ विल एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एस्टेट। हाँ, जो विल में लिखा हुआ है और उसको वैलिड करना, उसकी पुष्टि करना, उसको कानूनी रूप से स्पष्ट करना कि सही है कि नहीं, और इसके उसी के आधार पर वह वसीयतनामा के आधार पर वह प्रॉपर्टी का को डिस्पोज ऑफ करेगा, उसका निष्पादन करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोबेट को प्रोबेट ही कहा गया है और हिंदी इसका जो कि दिया गया है वह है प्रोबेट वसीयत की वैधता साबित करने और संपत्ति का निपटान करने की प्रक्रिया है। अब हम लोग कॉग्नेट के बारे में जानते हैं। कॉग्नेट के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं, एग्नेट का उल्टा कॉग्नेट होता है, इसमें फीमेल मेंबर्स होते हैं, जो कि बी में हम लोग देख रहे हैं। आगे देखिएगा आठवां, इसको यहाँ पर कॉग्नेट को हिंदी में यहाँ बंधु लिखा गया। ये सब भी शब्दों को आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। अब नौवां हम लोग देखते हैं ऑबिटर डिक्टा। फ्रेंड यह दरअसल एक तरह का रिमार्क है, रिमार्क मतलब टिप्पणी है। ये जो ऐसी टिप्पणी है जो कि डिसीजन के समय जज के द्वारा दी जाती है और वो जो टिप्पणी होती है जज की, वह दरअसल डिसीजन को प्रभावित नहीं करती है। डिसीजन से उस तरह के रिमार्क का कोई लेना देना नहीं होता है, इसको बस ऑफ हैंड बोला जाता है, इसे बस यूं ही कहा जाता है, तो यूं ही कहा जाने वाली बात को हम लोग ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। ठीक है, और ऑबिटर डिक्टा को के लिए हम लोग जो सही विकल्प यहाँ देंगे वह ए होगा, एन इंसिडेंटल रिमार्क। समझ में आया? इसको हम लोग इतरोक्ति कहते हैं, एक आकस्मिक टिप्पणी, बस अचानक आ गया मुख पे, बस बोल दिया गया। ओके, लेकिन इसका डिसीजन से, इसका निर्णय से कोई लेना देना नहीं रहता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे रेस ज्यूडिकाटा। रेस ज्यूडिकाटा दरअसल एक ऐसी इशू है जिसमें जिस पर सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है, जजेस उस पर फैसला सुना दिया है, अब उस फैसले पर अब फिर से सुनवाई नहीं हो सकती है। इस तरह का केस को, इस तरह के मैटर को हम लोग रेस ज्यूडिकाटा कहते हैं। यहाँ पर कहेंगे निर्णित मामला या अब मैटर ऑलरेडी जज्ड, फिर इस पर अपील नहीं की जाती है कि इस मैटर को फिर से खोला जाए और इस पर फिर से निर्णय सुनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दसों के दसों विधिक जो शब्द यहाँ पर थे सारे का हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया जाना। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड, जो
दूसरा सेक्शन था उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, ये आप देख रहे हैं, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मैं इस प्रश्न पत्र को अपने साइट पर दे दूंगा, साइट anandamtutorials.com में कुछ देर के बाद या कल देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट जो सेक्शन था वह था हिंदी भाषा पर आधारित, हिंदी भाषा में देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न, एक पैसेज था, पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद पर्यायवाची शब्द था। इन सभी के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम लोग किस तरह का, यहाँ पर एक सामान्य सा पैसेज देख रहे हैं जो शिक्षा पर आधारित था। शिक्षा की बहुआयामी भूमिका से शायद ही किसी की असहमति हो, समाज के अस्तित्व संरक्षण और संवर्धन के लिए शिक्षा जैसा कोई सुनियोजित उपाय नहीं है, इसलिए हर देश में शिक्षा में निवेश वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अवयव रहा है। कहा जाए तो जो पैसेज था वो इतना भी हार्ड नहीं है, लंबे लंबे वाक्य तो नहीं दिख रहा है मुझे, आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है, ज़्यादा बड़ा भी पैसेज नहीं है। जो दूसरा गद्यांश था वह जैसा कि आप देख पा रहे हैं वह विधि पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 22/7/1997 के अपने फैसले और डिग्री द्वारा मुकदमे को खारिज यह अभी निर्धारित करते हुए किया कि चूंकि संपत्ति पिता को उसकी माँ से मिली थी, इसलिए उसे अपने बच्चों के बीच अपनी इच्छा अनुसार बांटने की स्वतंत्रता थी। जो भी इस तरह के पैसेज को लेकर के काफ़ी अच्छे खासे अभ्यास करके गए हुए थे, मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई होगी। और जो अंग्रेजी का जो पैसेज था यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह भी जो था लीगल अफेयर्स से रिलेटेड ही था। यहाँ देखिए अंग्रेजी के दो पैसेज भी लीगल अफेयर्स से रिलेटेड था, अर्थात क्या देख रहे हैं हम लोग कि तीन पैसेजेस लीगल अफेयर्स से संबंधित था और एक जो पैसेज जो था वह एक सामान्य पैसेज था। आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। आप लोगों के बेहतर रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप अभी से जुड़ें हमसे, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है। और यदि आप IBPS राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी क्लासेस का डिक्लेरेशन कर दिया गया है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहां पर हम लोग इस एग्ज़ाम में जो इस तरह के पैसेज पूछे गए हुए थे उन सारे पैसेजेस का हम लोग किस तरह से अनुवाद करेंगे उसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।